इसीलिए जो अभिमानी हो जाते हैं ना ब्राह्मण, विद्वान होने के बाद में भी अभिमान जिनका नहीं निकलता है वो परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाते। अवसर समय मिल गया उनको भगवान को भोग लगाने के लिए, भगवान स्वयं भोग मांग रहे हैं, लेकिन अभिमान रूपी पर्दा ऐसा पड़ा हुआ है भगवान को वो भोग नहीं लगा पाए। फिर ग्वाल वालों ने आकर के कृष्ण से कहा, कृष्ण उन्होंने भोजन नहीं दिया, वो कह रहे हमारा भोग नहीं लगा। क्यों जी, एक गाना सुना होगा आपने, भूखे को भोजन कराया नहीं यज्ञ में धन लुटाने से क्या फायदा। ऐसा बताते हैं, कोई आदमी भूखा था, मंदिर में गया, प्रार्थना की, किसी ने भोजन नहीं कराया। फिर आगे मस्जिद की तरफ गया, वहां नमाज हो रही थी, उनसे याचना की, किसी ने भोजन नहीं कराया। फिर सामने जो गिरजाघर है वहां गया, उनसे प्रार्थना की, भोजन नहीं कराया। अब सांप भूखा प्यासा था, जा रहा था, सामने दो शराबी आ गए, बोले इनकी और पूछ ले, भैया भूख लग रही है, सुसिद्ध बाबा की तरफ जा रहे हो। अब वहीं एक शराबी मिल गया, बोले भैया भूख लग रही है, अब इधर से दूसरा भी शराबी आ गया, दो मिल गए, बोले भले आदमी ऐसा कर, भूखा आदमी 50 रुपया तू दे दे और 50 रुपया मैं दे, मेरे नाम को दे दे, 100 रुपया हो गए। गया भोजन कर लिया, कुछ पैसा बच गया, भोजन करने के बाद में तृप्ति हो गई। फिर भगवान से बोला, वाह प्रभु वाह, तुम भी कमाल की बात करते हो, एड्रेस दे रखा मंदिर का और मिलते हो शराबी में, एड्रेस दे रखा है तुमने मंदिर का, एड्रेस दे रखा है किसका, मस्जिद का एड्रेस दे रखा है, गिरजाघर का, हाँ, और मिलते हो शराबी के अंदर। ये तो भूखे को भोजन कराया नहीं यज्ञ में धन लुटाने से क्या फायदा, यदि प्यासे को पानी पिलाया नहीं बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। फिर भगवान कृष्ण बोले, कोई बात ना, ऐसा करो, ये ब्राह्मण तो अहमानी है, इन्होंने तो भोजन नहीं दिया, पर इनकी घरवाले इनके जोड़े चले जाओ और मेरा नाम ले दिए। बोले तीन ज्यादा चले हो, बोले हाँ। अब फिर वो ग्वाल वाल गए वो ब्राह्मणियों के पास में, भूखे प्यासे ग्वाल लौट गए, फिर से वहां आए और ब्राह्मणियों से कहा, श्याम ने भोजन मंगवाए। अब ब्राह्मणियों ने सुना भगवान भोजन मांग रहे, सोच भोजन बनाया। अच्छा बहनों सच बताना, भोजन कई प्रकार का होता है, भोजन कितने प्रकार का होता है? ना, 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 ना। हे भगवान अच्छा ज्ञानेंद्र जी, अच्छा तुम्हें ये नहीं मालूम भोजन कितने प्रकार का होता है? हे भगवान, मैं कहां गया कथा सुनाने, चतुर्विधम गण बहुगुण अन्नमादाय भाजने, भागवत जी में लिखा है भोजन चार प्रकार का होता है, भक्ष, भोज्य, लेह और चोष्य, चूसने वाला, लेह माने हलवा आदि, भक्ष माने रोटी आदि, भक्ष भोज पेय यानी पीने योग्य जो पिया जाता है, ये चार प्रकार का भोजन होता है। ब्राह्मणियों ने चार प्रकार का भोजन बनाया। अब हम यह कथा सुनाती हूँ ना, पर ब्राह्मण में कथा कह रहे हैं। अब ब्राह्मणियों ने भोजन वन कराया, भगवान के पास में गई, भोजन भगवान को ग्वाल वालों को सब कुछ भोजन करा दिया। भगवान बोले, देवियों हे ब्राह्मणियों, आज तुमने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की, उल्टा कह रहे हैं भगवान, आज आपने तुम हमको भोजन कराया, आपको कोई वरदान चाहिए? ब्राह्मणी बोली, महाराज गोविंद वरदान का छुना चाहिए, एक आशीर्वाद दे दो। बोले क्या? बोले हमारे भी है ना बड़े क्रोधी है, उन्हें मालूम पड़ गई ना कि वहां गई है, तो कहूं ऐसा न हो तलाक है जाए। बोले फिर, बोले उनकी बुद्धि ठीक कर दे। अच्छा अब कहते हैं भगवान ने उनको आशीर्वाद दे दिया, अब वह ब्राह्मणी वहां से वापिस होकर के अपने घर जा रही है। लेकिन भागवती में तो नहीं लिखा है, अन्य ग्रंथ में लिखा है, भगवान को भोजन कराने के बाद में जैसे वो वापिस आती है तो ब्राह्मणी जो थी ना वह तो वहीं से स्वर्ग चली गई है, और ब्राह्मणियों की जो छाया थी जिन्होंने भगवान को भोजन कराया था, उन ब्राह्मणियों की जो छाया थी वो भगवान कृष्ण के पास में। हाँ, जिसे भगवान का दर्शन हो जाए उसे तो भाई वैकुंठ मिल जाए, फिर यहां संसार में क्यों आए?
फिर जैसे वो अपने घर आई हैं, ब्राह्मणों ने देखा, ब्राह्मणी भगवान को भोजन करा के आई हैं, फिर कहा देवियों आप धन्य हो, हम तो ऐसे अभिमाने निकले जो भगवान को भोजन भी नहीं करा पाते। इसीलिए ज्ञान में थोड़ा अभिमान होता है, ब्राह्मणों में बुद्धि की प्रधानता होती है, अभिमान आ जाता है, इसलिए वो भगवान के दर्शन से वंचित रह जाते हैं। इसके बाद में अब भगवान की अवस्था 7 वर्ष होने को आई। अब 7 वर्ष की अवस्था में भगवान ने गोवर्धन पूजा की है। अब गोवर्धन का मतलब होता है गो नाम इंद्रिय का, इंद्रिय वर्धन माने शुद्धिकरण, इंद्रियों का शुद्धिकरण करना ही गोवर्धन पूजा है। देखा नंद बाबा बड़े व्यस्त हो रहे, अब भगवान कृष्ण आ गए और भगवान कृष्ण ने नंद बाबा से पूछा बाबा आज तो तुम बड़े व्यस्त हो रहे हो। हाँ लाला इंद्र की पूजा करवे को देना है।